Srimati Sarojini Hembram. Dhanyavaad Sadhya Kamadai. 5 minute ke andar. Ji sir. 5 minute ke andar. Sir. Sir, aaj is mahatvapurna bill ke upar mujhe bolne ka sir mauka diya, isliye apni party BJD ki or se main pura samarthan karti hu. Another kafana. Aur ye bill mahilaon ke liye bahut hi mahatvapurna hai. भारत जैसे इस विशाल देश में लाखों की संख्या में महिलाएं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं सर। भारत में महिलाओं का साक्षरता हारों में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्व में जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स भारत के 127 नंबर पे हैं और जेंडर गैप इंडेक्स में 108 नंबर पे हैं। तो महिलाओं के पिछले 10 सालों में नौकरी में भागीदारी कम हो रही है। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से 2004-5 में 29.4% और 2011-12 में गिरकर 22.7% हो गई है सर। भले ही महिलाओं के शिक्षा के लिए माता पिता आर्थिक खर्च करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन सामाजिक प्रतिबंधन से ऊपर उठ के कुछ ही महिलाएं नौकरी में नियोजित हो पाती हैं सर। इसके वजह से महिलाओं की जो भागीदारी के हारों में हमारा देश जो पड़ोसी देश है, जैसे कि म्यांमार है, मलेशिया है, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम है। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का जो प्रोत्साहन देने के लिए मैटरनिटी और चाइल्ड केयर सपोर्ट सिस्टम सर बहुत ही जरूरी है। जो इस बिल में जो मैटरनिटी 12 हफ्ते के जगह 26 सप्ताह जो प्रावधान किया गया है वो तो बहुत ही सर स्वागत योग्य है, लेकिन जो माँ के लिए जो एक बच्चे को पालना पोषण करना के लिए एक साल बहुत ही जरूरी होता है सर, क्योंकि एक माँ के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो घर में रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम है सर। ये जो बिल में जो सारे जो प्रोविजन है बहुत सर महत्वपूर्ण है, और जो कमीशनिंग मदर है, जो एडॉप्टिंग मदर के लिए भी ये जो मैटरनिटी लीव जो प्रोविजन का स्वागत मैं करती हूँ। और सर जो जो हमारे यहाँ सदस्यगण ने बोला कि पैटर्निटी लीव भी क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चे को पालने पोसने के लिए सर पिता का भी बहुत, माता पिता दोनों का भी बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए सर पैटर्निटी लीव को भी बहुत जरूरी होती है। और मेरा ये सबमिशन है कि जो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, और जो गांव में रहते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहाँ भी महिलाएँ जो एम्प्लॉयज का भी सुविधा मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे होने के बाद ज़्यादातर महिलाएं नौकरी छोड़ देते हैं। दिल्ली में हजारों में से 30% महिलाएं इस वजह से नौकरी छोड़ रही हैं। इस बिल क्लोज में जो प्रावधान किया गया है, ये 50 से जो अधिक जो एम्प्लॉय होंगे वहाँ क्रेचेस जो उपलब्ध किया जाए सर। मेरा सबमिशन है कि मेरे ये जो क्राइटेरिया रखा गया है सर, इसके कम करने से बहुत ही अच्छा होगा सर, क्योंकि यहाँ जो गांव में है और छोटे छोटे शहरों में ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है और जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 10, 20 या 30 महिलाएं जो काम करते हैं और अपने बच्चे के साथ लेके आने के लिए मजबूर होते हैं सर, इसीलिए उनका भी ख्याल रखा जाए और वहाँ भी क्रेचेस होने से बहुत अच्छा होता सर। और उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी भी माँ के लिए बच्चों के लिए ममता योजना किया है, और वहाँ पर वो माँ बच्चे के लिए 5000 रुपये सर दे रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये बिल को मैं स्वागत करती हूँ और जल्द से जल्द ये पास करा के कानून में बदल जाए, जिसमें हमारे देश की आधा आबादी लाभान्वित होगी। मैं और मेरे पार्टी बीजेडी की ओर से मैं ये बिल को संपूर्ण मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।